दान मंदिर मान अति विचित्र नहीं जाते सुनाना भवन एक पुनीत सुहावा हर मंदिर तह भिन्न बनावा रामायण अंकित ग्रह शोभा भर दिन जाय नव तुलसी का ब्रह्मांड तह देख हर्ष कफीरा आश्चर्य हो रहा है लंका नगरी से फिर ये सुंदर सपना दिखाई दे रहा है देखा क्या अरे इसके देखो तो राम अयोध अंकित ग्रह दीवारों पर भगवान के आयत छपे हुए धनुष्वान बने हुए नव तुलसी का प्रण कहा नए नए तुलसी के पौधे लगे हुए हैं तो विचार ये करता हूँ कि लंका निश्चल निकर निवासा और यहाँ कहाँ सज्जन कर प्यासा कागों के भरे समूहों में ये हंस रूप दर्शन कैसा कांटों से भरे करीने में ये मरिया के चंदन कैसा क्या हमें कहीं भ्रम हो रहा है चलो ब्राह्मण का भेष बना करके इनके पास जाता हूँ देखिए कौन है अवश्य ही कोई राम भक्त प्रतीत होते जय हो राम राम कहि सुमरन दीन्हा हृदय हर्ष तपि सजन चीन्हा हृदय रूप धरि वचन सुनाए जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम सुनत विभीषण उठ तहि आए कर प्रणाम पूछी कुछ लाए विप्र कहूं निज कथा दुजाए राम नाम का अंकित करने वाले आप कौन हैं यहाँ तो राम नाम अंकित करने वाला सुमरण करने वाला हमारे अलावा कोई दूसरा कौन हो सकता है कौन है आप मुझे अपना परिचय दीजिए भैया हे भक्तराज मैं श्री राम सेवा में रहने वाला उनका प्रिय सेवक या यूं कहो उनका अनन्य सेवक मेरा नाम हनुमान है हनुमान हाँ प्रभु श्री राम के भक्त मैं यहाँ पर मैया जानकी की खोज लेने आया हूँ बहुत देर से सारी लंका नगरी में भ्रमण कर चुका प्रत्येक घर में प्रवेश करके देख लिया लेकिन कहीं पर मैया का पता नहीं लगा लेकिन आप हमें बड़ा आश्चर्य हो रहा है तुम इस प्रकार से लंका में रहकर भी राम नाम का उच्चारण करते रहते हो और वो भी दशहरे के सानिध्य में बस हमें बड़ा आश्चर्य है तुम यहाँ पर कुशलते तो हो किस प्रकार से रहते हो ये अपना संधि उपासन ये अपना नामोच्चारण किस प्रकार से करते हो भैया बता सकते हो क्या वीर हनुमान आपने हमसे पूछा यहाँ कैसे निवास करते हो हनुमान ठीक उसी प्रकार जैसे 32 दांतों के बीच में ये जिभ्या वास करती है ठीक उसी प्रकार हम भी यहाँ निवास करते हैं परंतु अब कोई भाव भरोसे हनुमंता बिन हरि कृपा मिले नहीं संता वीर हनुमान आप यहाँ आए आपने कहा कि आप प्रभु श्री राम के भक्त हैं तो क्या प्रभु श्री राम हमारी चर्चा किया करते हैं क्या हमारे बारे में कुछ वार्तालाप किया करते हैं क्या हमारे बारे में उस रामाजल में कुछ चर्चाएं हुआ करती हैं हे प्रभु मैं ऐसा जानना चाहता हूं क्या वो प्रभु श्री राम मुझे अपनी शरण में स्थान प्रदान कर सकते हैं क्यों नहीं प्रभु का तो संदेश है कौन सा कि को तो पित्र पथ लागे जाऊं और आवय शरण पजऊं में काहू भगवान को सेवक बहुत प्रिय है और तुमने कहा कि भगवान बढ़िया में अपनी शरण देंगे या नहीं क्यों नहीं देंगे परमात्मा तो शरणार्थी है अपने सेवकों की रक्षा करने वाले हैं अरे तुम
तुम्हें अवश्य ही भगवान अपनी शरण में देंगे, लेकिन भगवान की शरण में इस प्रकार से नहीं पहुंच पाओगे। फिर कैसे पहुंचेंगे? हाँ, यही तो बात है। तो भगवान का संदेश है कि मन कर्म बचन छोड़ चतुराई और भजिए कृपा करें रघुराई। परमात्मा कृपा कब करता है? जब प्राणी के हृदय से कपट छल मोह इत्यादि सब दूर हो जाते हैं तो वह परमात्मा की शरण में जाता है। लेकिन हाँ, हम तुम्हें वचन देते हैं, हम तुम्हें परमात्मा से अवश्य मिलाएंगे, लेकिन एक शर्त रहेगी। कहो। शर्त यह है कि अभी तक हम और आप दोनों अधूरे हैं। अधूरे कैसे हैं? तुमने अवश्य ही निश्चित है कि मैया का दर्शन किया होगा, क्योंकि लंका में माँ है। अवश्य देखा है। हाँ। प्रभु को नहीं देखा? नहीं देखा। तो तुम अधूरे हो। और मैंने प्रभु को तो देखा है लेकिन मैया को नहीं देखा, तो हम भी अधूरे हैं। अब एक वचन दो, अगर तुम हमें मैया से मिलाओगे अवश्य तो हम पूरे हो जाएंगे। तो मैं भी तुम्हें वचन देता हूँ, मैं तुम्हें परमात्मा से मिला करके तुम्हें भी पूरा करूंगा। जैसी आपकी इच्छा। मैया इस समय कहाँ है? इस समय मैया आगे आप जाएंगे सीधा अशोक वाटिका है। अशोक वाटिका है? हाँ। वहाँ पर मैया प्रभु श्री राम का भजन करती होंगी। जय हो। और वीर हनुमान बड़ी चतुराई से जाना, वहाँ निशाचरों का पहरा है। निशाचरों का पहरा है? हाँ। अच्छा ठीक है, मैं अवश्य भी अपने बुद्धि बल से काम लूंगा। भक्तराज समय की प्रतीक्षा करो, परमात्मा तुम्हें अवश्य मिलेंगे। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। जुगति विभीषण सकल सुना।